राम राम सभी दोस्तों, मैं विवेक मलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा फिर से बायोलॉजी का होगा और बायोलॉजी में हमने अपने जो चैप्टर थे कंप्लीट कर लिए थे आपने 5, यानी कि आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आप पाचन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, दूसरा चैप्टर जो था हमारा मस्तिष्क के बारे में था, तीसरा आपका ब्लड के बारे में रहा और चौथा आपका था ग्लैंड के बारे में। और वही जो हमने कल आपका पढ़ा था, तो कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था आपका हार्ट के बारे में, तो 5 चैप्टर मैं आपके कंप्लीट करा चुका हूँ। आज जो हमारा अगला चैप्टर होगा वह होगा नेत्र के बारे में, यानी कि आज जिस चीज का हम अध्ययन करेंगे उसको हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। तो आज का टॉपिक का जो हमारा नाम रहेगा ये रहेगा आपका मानव नेत्र। यानी कि आज चैप्टर नंबर 6 हमारा स्टार्ट हो गया और आज पढ़ना है हमको मानव नेत्र के बारे में। तो फिर शुरू करते हैं आज अपना चैप्टर। तो सबसे पहली बात यही, मानव नेत्र आपका किसका अध्ययन, अपने जो मानव होते हैं मानव की आंखों का अध्ययन करना ही आपका मानव नेत्र कहलाता है, या मानव नेत्र को एक साइंटिफिक नेम भी दिया गया है। मानव नेत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं अगर हम बात करें इसके अध्ययन के बारे में? मानव नेत्र का अध्ययन आपका जो साइंटिफिक भाषा में कहलाता है ओ, ये कहलाता है आपका ओथैल्मोलॉजी। और ओथैल्मोलॉजी किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं मानव नेत्र का अध्ययन करना, या मानव नेत्र का अध्ययन किया जाता है। मानव नेत्र का अध्ययन किया जाता है। अगर बात करें मानव नेत्र क्या कार्य करते हैं, तो सभी जानते हैं जो हमारे नेत्र होते हैं वे क्या करते हैं, हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, यानी कि दृष्टि बनाने का कार्य आपका नेत्र का ही होता है। अर्थात आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आपका जो प्रकाश आपकी आंखों में जा रहा है, यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा है उसको किस में चेंज करता है, यह चेंज करता है आपका विद्युत संकेतों के रूप में, यानी कि जो आपके आंखों में जो आपका प्रकाश जा रहा है उसका ही रूपांतरण करेगा ये आपका विद्युत ऊर्जा में। यानी कि इसके कार्य की अगर बात करें तो मानव नेत्र का कार्य होगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अर्थात इस प्रकार भी कह सकते हैं हम, यह मस्तिष्क को संकेत भेजता है, यह मस्तिष्क को संकेत भेजता है। और संकेत जो भेजेगा किस रूप में भेजेगा, संकेत जो भेजता है यह मस्तिष्क के पास, वो आपका भेजता है विद्युत ऊर्जा के रूप में। विद्युत ऊर्जा के रूप में भेजता है। अब अगर इस पॉइंट को समझना चाहे, हमारे शरीर के जो हमारे शरीर में जो आपकी आईज होती है, ये आईज क्या होती है, जैसी प्रकाश हमारी आंखों में जाता है और प्रकाश आंखों में जाने के बाद इसका ट्रांसफर यानी कि इसका रूपांतरण कर दिया जाता है तब विद्युत ऊर्जा के रूप में, और यही संकेत विद्युत ऊर्जा के रूप में आपके मस्तिष्क के पास जाते हैं जो आपकी दृष्टि बनाने का कार्य करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे दृष्टि बनाने का कार्य आपका मस्तिष्क करेगा, यानी कि दृष्टि प्रदान हमें नेत्र करता है, लेकिन दृष्टि को समझने का कार्य हमें मस्तिष्क ही देता है। अर्थात अब बात करें हम इसकी संरचना के बारे में मानव नेत्र की। तो संरचना के बारे में अगर हम इसकी बात करें,
तो जो ये आपकी नेत्र की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो पहली परत है ये कहलाती है आपकी कंजक्टिवा। पहली नेत्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम कंजक्टिवा। नेत्र की जो आपकी बाहर की परत होती है, सबसे बाहर की परत आपकी कहलाती है कंजक्टिवा। ये जो इसके बाद की परत होती है अंदर वाली सेकंड लेयर, इसको कहा जाते हैं कार्निया। और ये आपका कार्निया के बाद में जो आपका लेंस होता है, लेंस के आगे की तरफ जो उपस्थित होता है, इसको कहा जाता है आयरिस। और लेंस के ऊपर जो आपकी दो होती है इनको कहते हैं सिलरी काया। ये आपका हो जाएगा नेत्र लेंस। और यहीं पे होता है आपका रेटिना। और जो यहां से बाहर जाएगी आपकी सेल, इनको कहते हैं हम नेत्र तंत्रिका कोशिका। नेत्र तंत्रिका कोशिका इनको कहा जाता है। तो ये नेत्र की संरचना थी, इसको नोट करिए। फिर इनके एक-एक पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर बात करें हम आपके कंजक्टिवा के बारे में, कंजक्टिवा क्या होती है? कंजक्टिवा जो हमारे नेत्र की सबसे बाहर की परत होती है, यानी कि जो सबसे बाहर उपस्थित होती है या नेत्र की पहली परत, इसे ही आपका कंजक्टिवा कहा जाता है। दूसरा, इसके बाद की जो सेकंड लेयर होती है इसको कहते हैं हम कार्निया। कार्निया आपकी आंख की दूसरी लेयर है। और दूसरा, आप यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नेत्रदान कौन से भाग का किया जाता है? यानी कि आपने सुना होगा जो नेत्रदान हम करते हैं वो हम इसी का करते हैं, उसमें कंजक्टिवा का कोई रोल नहीं होता। उसमें जो हम दान करते हैं कार्निया का दान किया जाता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरे, अगर हम भाग की बात करें आपका आयरिस, आयरिस क्या होता है? हमारी आंखों को रंग प्रदान करने का कार्य, यानी कि हमारी आंखें नीली होगी कि काली, इस प्रकार का जो रंग का निर्धारण करेगा ये आपका आयरिस करेगा। फिर अगर हम नेत्र लेंस की बात करें, नेत्र लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस आपके जो रेटिना पर होता है या प्रकाश भेजने का कार्य करता है या छाया चित्र बनाने का कार्य आपका नेत्र लेंस ही करता है। अगर रेटिना की बात करें, रेटिना क्या होता है? हमारी आंखों के अंदर रेटिना ऊपर की भाग में पाया जाता है और रेटिना पर ही आपका छाया चित्र बनता है, यानी कि जो भी हम दृष्टि देख रहे हैं तो उसका छाया चित्र जो इमेज बनेगी वो आपकी इमेज जाकर रेटिना पर बनेगी। और यह एक तो वास्तविक होगी यानी कि रियल होगी, और दूसरी यहाँ पर एक उल्टी इमेज बनेगी। और यहीं से विद्युत संकेत के रूप में ये मस्तिष्क को जो सूचना भेजता है, इसके माध्यम से सूचना भेजता है, ये सूचना भेजता है तंत्रिका नेत्र कोशिका के द्वारा, और विद्युत संकेतों के रूप में भेजेगा। और जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन इस चित्र को जो देख रहा है, जो इमेज उसके पास आया है, इसको सुलटी करके आपको उसको समझाएगा कि आप क्या देख रहे हैं। तो कि ये सब भाग है। और सिलरी काया क्या करती है? आपकी फोकस दूरी को बढ़ाने का घटाने का कार्य या नेत्र लेंस का आपका जो नियंत्रण करेगी वह आपकी सिलरी काया करेगी। और आपने सुना होगा कि दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये जितने प्रकार के दृष्टि दोष है वो सिलरी काया की वजह से हो जाएगा। यानी कि फोकस दूरी जब आपके नियंत्रण में नहीं रहेगी तो वहां पर दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम बना लेना। फिर अब इनके एक एक भाग के बारे में चर्चा करते हैं। अगर बात करें कार्निया की, कंजक्टिवा की बात करते हैं। कंजक्टिवा क्या होती है? सबसे बाहर की परत।
बाहरी परत यही होती है। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस प्रकार, नेत्र की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, आपने देखा होगा कभी कभी हमारी आंखों में संक्रमण हो जाता है, और संक्रमण यानी कि हमारी आंखें लाल दिखाई देने लगती है या हमारी आंखों में सूजन आ जाती है, तो वह कौन से बात को इफेक्ट करता है? आपके कंजक्टिवा में ही करता है। यानी कि लिखिए इस पॉइंट को, इसमें संक्रमण के कारण हमारी आंखें लाल हो जाती है, या सूजन आ जाती है, और जब इसमें सूजन आ जाती है, लाल हो जाती है, तो इस बीमारी को नाम दिया जाता है। इस बीमारी को आप कहते हैं कंजक्टिवा वायरस। या आंखों का आना, अगर बात करें हम कार्निया की, कार्निया क्या होता है? आंखों का महत्वपूर्ण भाग है या दूसरे लेयर की परत है, लेकिन इससे जो पॉइंट बनेगा, इससे पॉइंट एक ही बनता है। आंख दान करते समय इसी भाग को निकाला जाता है। यानी कि जो भी आप आईज डोनेट करते हैं, और डोनेट करते समय जो डॉक्टर होता है आपकी आंखों का कौन सा भाग लेता है, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर द्वारा निकाला गया भाग ही कार्निया कहलाता है। और कार्निया किस समय तक दान किया जाता है? यह हमारी मृत्यु के 6 से 8 घंटे तक दान किया जा सकता है। यानी कि यह मृत्यु के 6 से 8 घंटे तक दान किया जाता है, उसके बाद दान नहीं हो सकता ये। अगर बात करें हम आयरिस की, आयरिस क्या होता है? हमारी आंखों के रंग का निर्धारण करता है। यह इस प्रकार लिखे, मानव नेत्र के रंग का निर्धारण करेगा, मानव नेत्र के रंग का निर्धारण, मानव नेत्र के रंग का निर्धारण आपका आयरिस करता है। अगर नेत्र लेंस की बात करें, नेत्र लेंस क्या करता है? आपका दृष्टि बनाने का कार्य करेगा, या रेटिना पर दृष्टि बनाने का कार्य। इस प्रकार देखिए, रेटिना पर इमेज, यानी कि रेटिना पर आपका इमेज बनाएगा, या रेटिना पर छाया चित्र बनाने का कार्य करेगा। छाया चित्र बनाने का कार्य करेगा आपका नेत्र लेंस। अगर बात करें रेटिना, रेटिना क्या करता है? छाया चित्र का निर्माण करेगा। और इस पर क्या होता है? छाया चित्र बनता है रेटिना पर, और कैसा छाया चित्र होता है? यह आपका उल्टा व वास्तविक, यह आपका उल्टा व वास्तविक होता है। अगर सिलरी काया की बात करें हम, यह क्या करती है? आपके नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाएगी या बढ़ाएगी, घटाती है या बढ़ाती है।
अर्थात बात की जाए फोकस दूरी का नियंत्रण, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का नियंत्रण, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का नियंत्रण, फोकस दूरी का नियंत्रण कौन करेगी? आपकी सिलरी काया ही करेगी। अब अगर आंखों के अंदर बात करें, एक द्रव्य तो इसका यहां पर भरा होता है आपका इस वे में, एक द्रव्य तो आपका यहां पर भरा होगा, एक द्रव्य तो आपका भरा रहता है नेत्र लेंस के आगे की तरफ, यानी कि यहां पर भरा होगा, इस प्रकार से। और एक द्रव्य आपका भरा होता है आपके नेत्र लेंस के पीछे की साइड में, यानी कि आपका यहां पर। और इन दोनों द्रव्यों का अलग अलग नाम व अलग अलग कार्य होता है, यानी कि हमारी आंखों में दो द्रव्य पाए जाते हैं, जो आपका यहां पर पाया जाएगा कार्निया के पीछे, इसको कहते हैं हम चक्षु द्रव्य, इसको कहते हैं हम चक्षु द्रव्य। और चक्षु द्रव्य क्या कार्य करता है? चक्षु द्रव्य आपका नेत्र लेंस व कार्निया को पोषण देने का कार्य करता है, ये करता है आपके नेत्र लेंस व कार्निया को पोषण देने का कार्य है, कॉर्निया को पोषण देने का कार्य है, पोषण देने का कार्य। वहीं अगर इसकी बात करें, इस द्रव्य को कहते हैं हम विक्टस द्रव्य, इसका नाम होता है विक्टस द्रव्य। और इसका क्या कार्य होता है? विक्टस द्रव्य होता है जो ये आंखों के पीछे के हिस्से में होता है, और इसका कार्य होता है आपका नेत्र को गोलाकृति प्रदान करना, नेत्र को गोल आकृति प्रदान करना, अर्थात आपके नेत्र गोलाकार रहे, यह कार्य आपका विक्टस द्रव्य करता है, जिसे हम यूनरस द्रव्य भी कहते हैं। तो आपके नेत्र की संरचना कंप्लीट हो गई, इसे नोट करिए, फिर समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, बात चलो ठीक है, शुरू करते हैं फिर से, एक बार इन्हें समझ लेते हैं, फिर आप इन्हें नोट करते रहिएगा। अगर बात करें हम कंजेक्टिवा, कंजेक्टिवा होती है आपकी आंखों की सबसे बाहर की परत, और इसमें क्या होता है, संक्रमण के कारण आंखें लाल हो जाती है, जिसे हम देश अपने गांव देहात की भाषा में जिसे आंख काना भी कहते हैं या आंख दुखनी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो होता है यह किस वायरस के कारण होती है, यह इस वायरस का नाम दिया जाता है कंजक्टिवा वायरस, जो आपके सबसे नेत्र की जो सबसे बाहर की परत होती है उसमें यह होती है। तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे, इतना है नहीं, दूसरा इतना आपका यहाँ से एक क्वेश्चन ही बनता है आमतौर पर, और वह होता है कार्निया के बारे में, यानी कि आपका जो आइज डोनेट की जाती है या आंख दान करते समय कौन सा हिस्सा निकाला जाता है, तो वह कार्निया होता है। और मृत्यु के लगभग 6 से 8 घंटे के बीच इसे दान कर दिया जाता है, यानी कि इस प्रकार की अगर यहाँ से कार्निया का समझे, कार्निया वह भाग होता है हमारी आंखों का जो हमारे मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, यानी कि 7 से 8 घंटे तक यह जीवित रहता है। तो क्या इस बीच में हम अपनी दृष्टि बना पाते हैं? कार्निया जो होता है आपका जीवित रहता है, लेकिन दृष्टि बनाने का कार्य नहीं करता, ये केवल क्या करेगा, आपकी जो आंखें होती है उसकी दूसरी परत होती है, और इसका मुख्य कार्य होता है आंखों को नियंत्रित करना, यानी कि इसको बनाए रखना, दृष्टि को बनाए रखना, यानी कि देख पाने की क्षमता को बरकरार रखना। लेकिन मृत्यु के बाद भी देख पाएंगे, ये तो एक अलग ही टॉपिक है। तो अब बात करते हैं हम कार्निया के बारे में, हमारी बात हो गई। अब हम इसके तीसरे भाग के बारे में अगर समझे, आयरिस के बारे में। आयरिस क्या होती है? आयरिस आपकी आंखों के रंग का निर्धारण करेगी, यानी कि आपकी रंग नीली होगी या लाल या जैसी भी काली, इस प्रकार की जो आंखों का रंग निर्धारित किया जाता है, आंखों के रंग का निर्धारण आपका आयरिस ही करता है। और चौथी बात करें चक्षु द्रव्य, आप सबसे पहले इसकी उपस्थिति के बारे में, कहां पर भरा रहेगा? कार्निया व नेत्र लेंस के मध्य में द्रव्य पाया जाता है, जिसे चक्षु द्रव्य कहते हैं। और चक्षु द्रव्य का जो कार्य होगा, चक्षु द्रव्य का कार्य होता है आपका नेत्र लेंस और कार्निया दोनों को पोषण प्रदान करना, यानी कि इनकी पोषकता बनाए रखना भी इस प्रकार कह सकते हैं।
अगर बात करें हम नेत्र लेंस की, नेत्र लेंस वह भाग होता है आपके नेत्र का जो आपका छाया चित्र का निर्माण करने में सहायता करेगा, यानी कि जो रेटिना पर हमारा छाया चित्र बन रहा है उसको बनाने में जो सहायता करता है आपका नेत्र लेंस करता है। लेकिन अब छाया चित्र की बात करें कहाँ पर होता है, रेटिना पर बनता है। कौन बनाता है? नेत्र लेंस बनाता है। और छाया चित्र जो बनेगा आपका रेटिना पर बनेगा। और रेटिना पर भी कैसा बनेगा, एक तो जो इमेज हम देख रहे हैं, जैसे मैं इस पेन को अभी देख रहा हूँ, ये जो रेटिना पर इसकी इमेज बन रही है ये उल्टा बन रहा है इस प्रकार, और ये उल्टा को सीधा हमारा ब्रेन करता है। किस रूप में करता है? यहाँ से होता क्या है, रेटिना हमारे मस्तिष्क के पास विद्युत संकेत भेजता है, यानी कि जो भी वो इमेज देख रहा है या बना रहा है उसकी छवि भेज देता है मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क इसे हमें सीधी करके हमें समझा देता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो अब बात नेत्र तंत्रिका कोशिका के बारे में आ गई, विद्युत संकेतों को मस्तिष्क के पास भेजता है, विद्युत संकेतों को मस्तिष्क के पास भेजता है, मस्तिष्क के पास भेजता है। आपका कौन भेजता है? नेत्र तंत्रिका कोशिका ही आपके विद्युत के पास भेजती है। और अगर बात करें, एक क्वेश्चन और बन सकता है, प्रकाश हमारी आंखों में जो प्रकाश होता है प्रवेश करता है, मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, जो मानव नेत्र होता है इसमें जो प्रकाश प्रवेश करता है किसके माध्यम से प्रवेश करता है, यानी कि सारे का सारा खेल हमारी आंखों में प्रकाश का ही होता है, यानी कि प्रकाश ही है जो हमें दृष्टि प्रदान करेगा। लेकिन प्रकाश कौन से अंग द्वारा हमारे मानव नेत्र में प्रवेश करता है, तो ये यहाँ से होता है, इसको कहते हैं पुतली। जो आपका होता है नेत्र लेंस, इसके आगे की तरफ उपस्थित या ऊपर की तरफ उपस्थित होती है उसे कहते हैं पुतली, और पुतली ही वह भाग होता है जिसके माध्यम से हमारे मानव नेत्र में आपका प्रकाश पहुंचेगा। तो ठीक है, मानव नेत्र को इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। बस दो टॉपिक और पढ़ने हैं हमें इसमें, एक तो दृष्टिदोष, दूसरा हमें पढ़ना है मानव रोग, आंखों में होने वाले रोगों के बारे में। आज इस टॉपिक को फिर हम समाप्त करेंगे, छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा, केवल आपको मानव नेत्र के बारे में इतनी जानकारी देंगे, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता। मुख्यतः जो मैंने क्वेश्चन यहाँ से देखा कार्निया के बारे में देखा है, और वह भी यही था कि रक्त को टाइस डोनेट आपकी कब की जाती है, कितने घंटों तक की जा सकती है, यह इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो कार्निया होता है, यह इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपका, आंखों का कौन सा भाग है जो हमारी मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, तो आपका आंसर कार्निया ही होगा। चक्षु द्रव्य के बारे में भी पूछ सकता है, और आपका वेक्टर द्रव्य, दो द्रव्य हमारी आंखों में होते हैं, एक को कहते हैं हम चक्षु द्रव्य, चक्षु द्रव्य होता है नेत्र लेंस में कार्निया का पोषण देने का कार्य, वही हमारी आंखों को गोल आकृति प्रदान करने का कार्य आपका होता है वेक्टर द्रव्य का। तो सर नोट करिए, फिर आगे की तरफ चलेंगे, आप जो हमारा अगला टॉपिक इसी में होगा वह होगा आपका दृष्टि दोषों के बारे में, और दृष्टि दोष सभी जानते हैं, दृष्टि दोष चार होते हैं, और चार भी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और आपका जरा थम्य, और आपका ये दृष्टि वैषम्य, तो चार दृष्टि दोष हमें पढ़ने हैं, नोट करिए, फिर इसको रफ करते हैं। चलिए फिर चलते हैं आगे, अब बात करते हैं हम मानव नेत्र में होने वाले दोषों के बारे में, और दोषों को भी हम दो प्रकार से देख सकते हैं, एक तो होता है दृष्टि दोष यानी कि दृष्टि से संबंधित, और एक होता है आईस के मतलब आपके नेत्र के अंदर होने वाले बीमारी से संबंधित। दृष्टि दोष जो होता है वो होता है आपका सिलरी काया की वजह से, यानी कि फोकस दूरी से संबंधित ही यह दोष होता है, और आप तीन होते हैं आमतौर से, अगर हम बात करें दो दोष पाए जाते हैं, लेकिन नेत्र जो दृष्टि दोष होते हैं, दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं अगर बात करें हम दृष्टि दोषों के बारे में।
दृष्टि दोष या दोष लिख दिया नेत्र दोष भी कह सकते हैं हम इसे। और दृष्टि दोषों की अगर हम बात करें, दृष्टि दोष कितने होते हैं? दृष्टि दोष चार प्रकार के होते हैं। पहले तो आप यही समझिए दृष्टि दोष जो होता है, दृष्टि दोष होते क्या है? दृष्टि दोष हमारे देखने की क्षमता में हुए परिवर्तन के कारण, यानी कि जो हमारी सामान्य क्षमता होती है उसमें परिवर्तन होगा, या हमें जो इमेज हमारी रेटिना पर बनेगी या तो वो साफ नहीं बनेगी, या वो रेटिना के आगे बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी, या कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमारे रेटिना पर इमेज हमारी बन रही है वो टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है, जिसे हमारे मस्तिष्क को समझने में काफी कठिनाई होती है। तो मुख्यतः चार यहाँ से बीमारी होती है आपकी। अगर इनकी बात करें हम, कौन कौन सी बीमारी इसमें होगी आपकी? अगर पहली बात करें हम, पहली होती है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, अगर निकट दृष्टि दोष के बारे में अगर हम बात करें, निकट दृष्टि दोष होता क्या है आपका? निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं है कि आमतौर पर हम समझ लेते हैं कि हमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, इसमें उल्टा होता है। जब वो बात करेगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब होगा आपको निकट की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन जो दूर की वस्तु है वो आपको नहीं दिखाई देगी, यानी कि स्पष्ट रूप से आप उसमें पहचान नहीं कर पाएंगे कि आप क्या देख रहे हैं। तो वह तो होता है आपका निकट दृष्टि दोष। वहीं अगर दूर दृष्टि दोष की बात करें, दूर दृष्टि दोष में होता है आपको दूर का तो स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन निकट का आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, अर्थात नजदीक रखी वस्तु को आप विभेद नहीं कर पाएंगे कि यह कौन सी वस्तु आप देख रहे हैं। तो अब इनकी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष की अगर बात करें, इसमें होगा क्या? निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। दूसरा जो पॉइंट होगा इसमें, जब निकट की वस्तु इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है तो दूर की वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अगर बात करें इसके कारण की, किस कारण से ये रोग आपके नेत्र में हो जाता है या इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है आपका या तो आपकी फोकस दूरी घट जाएगी। इसमें होता क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। और जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी तो इसका मतलब है आपका जो प्रतिबिंब, जो रेटिना पर आपका छाया चित्र बन रहा है, और तो वो रेटिना से पहले बन जाएगा, यानी कि फोकस दूरी घटने से आपके प्रतिबिंब पर फर्क पड़ता है, और जो आपका प्रतिबिंब आपके रेटिना पर बनता है, बनना था तो वह उस पर न बनकर उससे थोड़ा पहले बन जाता है, जिससे आपको वस्तु को पहचानने में कठिनाई होती है, यानी कि फोकस दूरी घट जाती है। और इसके साथ घटने से प्रतिबिंब यानी कि छाया चित्र का निर्माण रेटिना पर न होकर रेटिना से कुछ पहले हो जाता है, रेटिना से कुछ पहले हो जाता है। इसी कारण इसे निकट दृष्टि दोष कहा गया है। और अगर हम इसके निवारण की बात करें, इसका निवारण किससे करेंगे, तो इसका निवारण आपका किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, इसका निवारण आपका किया जाएगा अवतल लेंस के द्वारा। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, अवतल लेंस या अवतल लेंस के सहायता से ही आपका निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है। तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं समझने के लिए। अगर हम निकट दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखें, निकट दृष्टि दोष का मतलब यह नहीं है कि आपको निकट का दिखाई नहीं देगा, आपका निकट का तो स्पष्ट चमकेगा लेकिन दूर का स्पष्ट नहीं चमकेगा। और अगर आप बात करते हैं हम दूसरे यहाँ से, जो दोष होता है दूसरा दोष आपका होता है दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष की अगर हम बात करें, दूर दृष्टि दोष में इसी प्रकार क्या होगा, दूर दृष्टि दोष में दूर का तो स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन नजदीक का स्पष्ट नहीं देख पाता,
तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, निकट पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो फोकस दूरी है वो आपकी बढ़ जाती है, यानी कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो इसका अर्थ होगा आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है यह आपका रेटिना पर न बनकर यह बनेगा आपका रेटिना के आगे, यानी कि रेटिना के पीछे। तो इस प्रकार देख सकते हैं इसे छाया चित्र का निर्माण, छाया चित्र का निर्माण रेटिना के बाद होता है। और इसके निवारण के लिए इसका कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, इसका निवारण आपका उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। अब तीसरे लोग की तरफ चलते हैं, जरा इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। तीसरा जो दोष होता है वह कहलाता है जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष इन दोनों का ही कॉमन दोष होता है, जिसमें निकट भी पाया जाता है और दूर का दृष्टि दोष भी पाया जाता है, अर्थात दोनों का संयुक्त रूप, यानी कि इस प्रकार भी से हम समझ सकते हैं इसमें कभी तो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, कभी तो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, वह कभी पास की, यानी कि इस प्रकार समझ सकते हैं, न तो इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती न इसमें नजदीक की वस्तु। और आपने देखा भी होगा ये आमतौर से जो है वृद्ध व्यक्ति में पाया जाता है, और उनका जो लेंस होता है उसमें दोनों लेंस लगे होते हैं, ऊपर का जो भाग होता है वो बाहर की तरफ उभरा रहता है, नीचे का जो आपका हिस्सा होता है वो अंदर की तरफ, यानी कि जब नीचे हम ऐसे करके पढ़ते हैं तो हमारी आंख आपकी जा रही होती है उसमें अवतल लेंस की तरफ, यानी कि निकट दृष्टि दोष उसे दूर करना है। और जब हम सामने देखते हैं तो जो लेंस आपका उभरा रहता है उसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वह होता है आपका उत्तल लेंस, यानी कि हमारी दूर की दृष्टि को ठीक करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम इसके निवारण की बात करें इसी प्रकार, इसका निवारण जो किया जाता है इसका किया जाता है उत्तल व अवतल दोनों के संयुक्त रूप से, उत्तल लेंस व अवतल लेंस दोनों के संयुक्त रूप को, संयुक्त रूप को प्रयोग से। और इसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस व अवतल लेंस इनका संयुक्त रूप कहलाता है आपका द्विफोकसी लेंस, या इसे कहते हैं हम द्विफोकसी लेंस। अब हमारा एक दोष रह गया, इसमें पढ़ना है हमें दृष्टि वैषम्य। चौथा जो दोष होगा वह होगा दृष्टि वैषम्य। और जो दृष्टि वैषम्य होता है इसमें क्या होता है, आपका छायाचित्र रेटिना पर तो बनेगा लेकिन वह स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, यानी कि सब आपकी ठीक है रेटिना पर ही आपका बन रहा है, फोकस दूरी भी ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है आपका लेंस टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है आंखों का, जिस कारण वो जो प्रतिबिंब बना रहा है रेटिना पर उसमें क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है प्रतिबिंब भी, और जिस कारण से आपका मस्तिष्क उन्हें पहचान नहीं पाता। यानी कि अगर बात करें हम रेटिन छाया चित्र का निर्माण, रेटिना पर ही होता है, लेकिन
टेढ़ा मेढ़ा होता है। और अगर बात करें हम इसके निवारण की, तो इसका जो निवारण किया जाता है कौन से लेंस के द्वारा इसका निवारण किया जाता है, वह लेंस होता है आपका बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस के प्रयोग से इस दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो चारों दृष्टि दोष आपके कंप्लीट, इन्हें नोट करिए फिर आगे चलते हैं। इसमें कुछ ज्यादा इतना खास है नहीं, बस शुरुआत के दो ही आपके इम्पोर्टेंट है। चलिए अब जल्दी से पढ़ लेते हैं हम नेत्र रोगों के बारे में, और ये टॉपिक यहीं पर फिर आज समाप्त करते हैं। अगर कोई डाउट आपका रह गया तो उसे कमेंट बॉक्स में भी कर दीजिएगा, मैं उसका बाद में आंसर दे दूंगा। और जल्दी ही हम एक मैराथन भी लेकर आएंगे जिसमें हम जो भी पढ़ा चुके हैं आपका पूरा रिविजन हम कराएंगे उसमें। अगर बात करें हम नेत्र रोग के बारे में, नेत्र रोग यानी कि जो आंख से संबंधित है, ये जो हमने पढ़े ये दृष्टि दोष थे जो हमें हमारी दृष्टि से संबंधित थे, और जो अब हम पढ़ेंगे ये हो गया आपके नेत्र रोग यानी कि नेत्रों से संबंधित। अब बात करते हैं जो पहला रोग होता है वह होता है आपका वर्धांधता, और दूसरा जो इसी में होता है यह होता है आपका रतौंधी, तीसरा जो इसी में आता है रोग वह कहलाता है मोतियाबिंद, वहीं चौथे की बात करें ये आपका कहलाता है सूखी आंख। तो चार रोग होते हैं यहाँ पर। अब पढ़ते हैं हम वर्धांधता के बारे में। वर्धांधता जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका वर्ण प्लस अंधता, ये क्या होता है आपका दृष्टि यानी कि वर्ण होता है आपका रंग, और अंधता होता है दिखाई न देना। तो यहां से जो हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं यानी कि रंगों का दिखाई न देना, रंगों में विभेद न कर पाना। और कौन कौन से रंग होते हैं जिनमें विभेद नहीं कर पाएगी आप, ये होते हैं आपके प्राथमिक रंग। और प्राथमिक में कौन कौन से प्राथमिक रंग, ये होता है आपका लाल, हरा, नीला। इन तीन रंगों में आप विभेद नहीं कर पाएंगे कि हमें कौन सा रंग दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ से बनेगा आपका वर्धांधता के बारे में, यह अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक बीमारी है, अनुवांशिक यानी ये आपके वंश में ये ट्रांसफर हो सकती है, अनुवांशिक बीमारी है यानी कि माता पिता से बच्चों में इसका ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट बनेगा, यह बीमारी किसकी वजह से होती है, यह हमारी कोशिका, हमारी नेत्र कोशिका, यह हमारी नेत्र कोशिका जिसका नाम होता है कौन कोशिका, कौन कोशिका, यह हमारी नेत्र कोशिका के नष्ट होने से आती है। वही अगर रतौंधी की बात करें, इस बीमारी का एक और नाम होता है रतौंधी, इसे ही कहा जाता है रात का अंधापन, रात का अंधापन रतौंधी को ही कहती है, यानी कि कम प्रकाश में चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, कम प्रकाश में चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। और ये जो बीमारी आपकी होती है किस कारण से होती है, ये हमारी नेत्र कोशिका, नेत्र कोशिका रॉड कोशिका, इसका नाम होता है कोशिका का रॉड कोशिका के नष्ट होने से आती है।
मोतियाबिंद की बात करें, मोतियाबिंद में क्या होता है, मोतियाबिंद में नेत्र लेंस पर वसा की हल्की परत चढ़ जाती है और जब वसा की हल्की परत आपके नेत्र लेंस पर आ जाएगी तो आपको क्या होगा, चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। और इसका निवारण क्या किया जाता है, इसका निवारण होता है ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है फैक्रोमल्फिकेशन। और यह ऑपरेशन किसकी सहायता से होता है, लेजर की सहायता से। वहीं सूखी आंख की बात करें, सूखी आंख में क्या होगा, आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाता है, आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाता है। और इसका कारण, यानी कि कारण क्या होता है, इसका कारण होता है हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी। यानी कि जिन व्यक्तियों के शरीर में विटामिन ए की कमी होती है उनकी आंखों से आसानी से आंसू नहीं निकलते। वही विटामिन ए की कमी से आपका रक्तबंधी भी होगा, या विटामिन इसका भी कारण आप विटामिन ए लिख सकते हैं, ये बीमारी भी विटामिन ए की वजह से आती है। तो आपने एक रोग भी पूरा कर लिया। एक बार वर्धांता में क्या होता है, वर्धांता में आपको आंखों के रंग, जो आपकी आंख है उसमें रंगों को स्पष्ट रूप से आप नहीं पहचान पाएंगे वर्धांता में, यानी कि आप कौन सा रंग देख रहे हैं या कौन सा रंग की आप पहचान करने हैं, तो इस प्रकार की पहचान आपकी आंखें आपको नहीं कराती कि आप लाल देख रहे हैं, नीला देख रहे हैं, हरा देख रहे हैं। और इन तीनों रंगों को ही हम प्राथमिक रंग कहते हैं, अर्थात इस प्रकार भी कह सकते हैं प्राथमिक रंगों में विभेद न कर पाना आपका वर्धांता कहलाता है। दूसरा जो वर्धांता से क्वेश्चन बनेगा, वर्धांता से क्वेश्चन बनता है आपका कि यह बीमारी में हमारी जो नेत्र की होती है कौन सी कोशिका नष्ट हो जाती है, उस कोशिका का नाम बताइए। तो वह कोशिका आपकी होती है कौन कोशिका, कौन कोशिका ही आपकी वर्धांता में नष्ट हो जाती है। वहीं रतौंधी की बात करें, रतौंधी होती है आपका रात का अंधापन, यानी कि रात को दिखाई ना देना, शाम के समय अंधे हो जाते हैं व्यक्ति, ये देख नहीं सकते या इनको दिखाई नहीं देता या इस चीजें स्पष्ट ही नहीं कर पाते, तो ये बीमारी आपकी रतौंधी की वजह से होती है। और ये जो बीमारी होती है हमारी कौन सी कोशिका को नष्ट करेगी आंखों की, तो उस कोशिका का नाम होता है आपका रड सेल, यानी कि रड कोशिका। और ये आपका विटामिन ए की कमी से होती है, मैक्सिमम जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से ही होता है। इसलिए कहते हैं आंखों को ठीक करने के लिए या आंखों की दृष्टि बनाए रखने के लिए आपको विटामिन ए का सेवन करना चाहिए निश्चित अनुपात में। वही मोतियाबिंद की बात करें, मोतियाबिंद हमारे जो फोकस नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस से संबंधित है। और इसमें होता क्या है, मोतियाबिंद में हमारी जो वसा होती है हमारे शरीर के अंदर, उसकी एक हल्की परत आकर आपके आपका नेत्र लेंस जो होता है उसके ऊपर जमा हो जाती है। और जब परत आपके ऊपर आ गई या नेत्र लेंस को ढक लिया तो आपको चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और इसका इलाज के बाद क्या होता है, इसका इलाज ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन का भी नाम पूछ लेता है कभी कभी, इसके ऑपरेशन का नाम होता है फैक्रोमल्फिकेशन। तो ये आपका लेजर की सहायता से किया जाता है। और सूखी आंख में क्या होता है, सूखी आंख जो हमारा चौथा नेत्र रोग है, इसमें क्या होता है आपकी आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाता है। यानी कि व्यक्ति कितना भी भावुक हो, कितना भी दुखी हो और कितना भी रो रहा हो तो उसकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, आंसू निकलना बंद होता है आपका सूखी आंख में, और ये विटामिन ए की कमी से होगी। तो आपका नेत्र टॉपिक आज का कंप्लीट, तो फिर इसे नोट करिए। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर आपका था 6, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, नेत्र रोग हमारा कंप्लीट है। अगला चैप्टर हम अगले सेशन में शुरू करेंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए। तो मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और तब तक हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।